स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक। आइए बात करते हैं बड़े अपडेट के बारे में। तो बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा में नए वीडियो एल्बम में मधुबन में राधिका नाचे गीत पर अश्लील डांस को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जहाँ साधु संतों ने सनी लियोनी को चेतावनी दी है, वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दरअसल विवादास्पद डांस वीडियो मधुबन में राधिका नाचे को लेकर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी की मुश्किलें पड़ सकती हैं। मधुबन में राधिका नाचे डांस वीडियो को लेकर विवादों में आई सनी लियोनी पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कड़े संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि सनी लियोनी का डांस वीडियो उस श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके तहत हिंदू धर्म की भावनाओं को सुनियोजित ढंग से आहत किया जा रहा है। नरोत्तम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सनी लियोनी और सारिफ असलम दोषी 3 दिन के भीतर विवादास्पद डांस वीडियो को हटाएं और माफी मांगे, नहीं तो कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 22 दिसंबर 2021 को बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी का एक न्यू वीडियो सॉन्ग एल्बम मधुबन में राधिका नाचे लॉन्च हुआ है और इसमें सनी अश्लील डांस करते हुए नजर आ रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर मथुरा के संतों ने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि अगर सरकार अभिनेत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और वीडियो एल्बम पर प्रतिबंध नहीं लगाती है तो हम अदालत जाएंगे। जब तक वह सीन वापस नहीं लेती और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती, उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये था अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।